अच्छा जी, ये हमने अपना सफ़र शुरू कर लिया है और ये इमारत बैठा है मेरी गोद में। आप लोगों को इमारत में बैठने का स्टाइल दिखाते हुए इधर चेक करें। यहाँ पे थोड़ा सा मैं मेकअप टेस्ट कर रही थी अपना। मम्मा के शूज़ जो कि हमारे लिए स्टाइलिश है, बहुत ही यूनिक स्टाइल है, ये बड़े इन में है आजकल। ये ब्राउन कलर है। आज 5:30 का टाइम हो चुका है। अभी मैंने इमाद का बखेरा हुआ सब कुछ घर भी समेटना है और साथ मतलब मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि मैं क्या क्या आज पहले रोज़े की अफ्तारी में तैयारी कर रही हूँ। रूम तकरीबन हो चुका है हमारा सेट, अब चलते हैं किचन में। चिकन में सबसे पहले तो देख लेते हैं हमारे चने और आलू बॉयल हो चुके हैं कि नहीं। तकरीबन बॉयल ही है। अभी हम बनाते हैं चना चाट की रेसिपी और आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ पे मैं रेडी करने लगी हूँ हरा धनिया, पुदीना और सब्ज मिर्चों की चटनी, जो कि मैं कहती हूँ चने चाट की जान होती है। और चले जी, हाँ मैं इसको तैयार करती हूँ और फिर रेडी करने के बाद आपको दिखाती हूँ। हैंड ब्लेंडर की मदद से मैंने इसको पीस लिया है अच्छे से और अब मैं इसको इस कंटेनर में डाल के सेव कर दूँगी। पूरे एक हफ्ता हम इसको आराम से चला सकते हैं। आप भी ऐसे बनाएं और अपना टाइम की बचत करें। ये जी इमाद, और इमाद को जाने की बेहद एक्साइटमेंट है, देखें जी। और हम फिर से जा रहे हैं शॉपिंग पर। बच्चों ने जाना है स्कूल कल से और ये इनके न्यू क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, तो उनका सिलेबस लेना है, इनका यूनिफॉर्म लेना है, तो उसके लिए हम जा रहे हैं मार्केट। रोज़ा अफ्तारी हो चुका है, रोज़े की वीडियो हो गई है मिस, क्योंकि आप थोड़ा सा टाइमिंग का नहीं पता था और बहुत जल्दी जल्दी में सब चीज़ें बनी। इंशाल्लाह कल ज़रूर आपको हर चीज़ दिखाऊंगी कि कैसे बनाई है। ये जी इमाद खड़ा हुआ अपने दोस्त के साथ, इसके बगैर तो इमाद एक मिनट भी नहीं रहता। ये जी खड़े हुए हैं, बाबा को आवाज़ें दी जा रही हैं। बाबा बाबा, ये इमाद की अपनी क्लास होने शुरू हो चुकी हैं। इसमें रखा होता है फातिमा का बॉडी स्प्रे, इसकी अच्छी स्मेल है इसकी, तो ट्राई करना चाहे तो ज़रूर करें। ज़ॉम्बी ना, सनी ज़ॉम्बी बन गया। इमाद करो स्प्रे। आ सही है। आ चुके हैं हम जी स्टोर पर, बच्चे जा रहे हैं और इमाद को आप देख सकते हैं कि सबसे पहले गया है बॉल की तरफ। ये कुछ और लोग खड़े हुए हैं, जैसे हटते हैं फिर आपको दिखाते हैं। भाई बैट बॉल है अभी, आप ये स्टोर है, स्टोर के अंदर वो जा रहे हैं, देखिए सब उसके हाथ में बैट बॉल है जी, उसे बैट बॉल चाहिए। एक साथ में बच्चों की टॉय शॉप्स हैं, लेकिन इसमें इमाद को खास पसंद नहीं आता क्योंकि यहाँ पर दूसरी चीज़ें रखी होती हैं ज़्यादा और बॉल्स होती हैं कम, और यहाँ पर है बॉल्स कुछ ज़्यादा, तो इमाद को ये जगह बड़ी पसंद आती है। अब देख सकते हैं वो सामने खड़ा हुआ बैट बॉल लेकर जी। बच्चों को बड़ी बड़ी चीज़ें रखी हुई हैं जी, लेकिन महंगाई इस हद तक है ये बस चीज़ों को देख सकते हैं, ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वही परचेज़ करनी होती हैं, क्योंकि महंगाई बेहद हो चुकी है और गुजारा आजकल बड़ा मुश्किल है। लेकिन बच्चों को कौन समझाए, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। और यहाँ पर साथ में ही खाने पीने का स्टॉल, जो कि मेरे ख्याल में आज कुछ ऐसा ख़ास नहीं चल रहा, वरना यहाँ पर अच्छी खासी रौनक होती है। यहाँ के चपली बर्गर बड़ा फेमस है, बट आज था पहली अफ्तारी
तो कम ही लोग निकले हैं बाहर। क्या लेकर आए हो? जी ये है इमाद का, ये मेरे घर में ना कोई दर्जनों के हिसाब से पड़े हुए हैं, क्योंकि जैसे ही इमाद बाहर निकलता है इमाद ने जरूर लेना होता है। इमाद हैप्पी हो? इमाद हैप्पी हो? अंदर देख रहे कि अंदर से बाबा क्या ला रहे हैं। अंदर से बाबा क्या ला रहे हैं? बाबा ला रहे हैं अंदर से बुक्स और ये इमाद की लुक्स। अब चेक करें, ये हमारे बच्चे हैं। बाबा बिल देखते हुए, बाबा बिल और बेटा बैठ, सिचुएशन देखने वाली है उसे। और यहाँ पे हमें पड़ चुके हैं पैसों की ज़रूरत, तो जा रहे हैं एटीएम के अंदर। मेरे नवाब साहब बैठे हुए कुछ इस तरीके से गाड़ी में, और ये सामने है बर्तनों की शॉप लकी पार्क चाइना एंड क्रॉकरी सेंटर। मम्मा जस्ट मुझे अपने वेंटे के लिए कुछ लेना था, देख लो इसके लिए ठीक। नहीं नहीं रेशमी मिलो बेटा, स्कूल के लिए चाहिए ना आपके, उसके लिए तो सूट के साथ तो मैचिंग हो रहा है। ये अभी जो लोन के हमने लिए हैं, ये कितने का है? 300 का है। और ये एक ही रेड है, कलर है बस, ये व्हाइट है। व्हाइट चाहिए, ये तो व्हाइट। ये काशी भाई को बुलाएंगे ज़रा, आपके पास दुपट्टों की वैराइटीज बहुत ज़्यादा है। देखो आपका ड्रेस उठा लो ना, फिर उसके साथ मैचिंग करेंगे।